नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के हर कोने में जश्न का माहौल है। पूरे देश में इस माह अपने अपने तरीके से अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो वहीं भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया जा रहा है, जिसके लिए SDF योगांतर त्रिपाठी स्वयं रमेश चंद्र गुप्ता पुत्र गंगा साही गुप्ता के घर पहुंचे। आपको बताते चलें कि स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी श्री गंगा साही गुप्ता के घर पहुंचकर उनके बड़े पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता को शॉल व पुष्प से सम्मानित किया, जिसके बाद उन्हें उपहार के साथ एक मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया पत्र भी भेंट किया गया। तो वहीं रमेश चंद्र गुप्ता ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर यदि किसी शोध के कार्य आ सके तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। आपका नाम क्या है? रमेश चंद्र गुप्ता। अभी SDM द्वारा आपके यहाँ एक कार्यक्रम लगा था, क्या कार्यक्रम था ये? ये हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गंगा साई जी गुप्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने हमें सम्मानित किया है। इस सम्मान में क्या क्या भेंट मिले आपको? सम्मान में एक शॉल, एक शायद मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा है श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा। आपने अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर करी SDM सर को, क्या हाँ, इच्छा है? हमारी इच्छा ये है कि अब हम 72 साल के हो गए, हम अपना कोई भी बलिदान तो देने को तैयार हैं, मगर वहाँ किसी काम नहीं आएगा। तो हम जो अभी चाहते हैं, बच्चों से निवेदन ही कर सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर किसी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए जो गरीबों के या राष्ट्र के काम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।